मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। आज मुमरा रेलवे स्टेशन पर एक भयानक ट्रेन हादसा हो गया है। ये हादसा दोपहर के वक्त हुआ है प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर। जानकारी के मुताबिक एक व्यक्ति मुंबई की तरफ जाने वाली लोकल ट्रेन पकड़ने की कोशिश कर रहा था। इसी दौरान ये व्यक्ति ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच में गिर गया। इस हादसे में इस व्यक्ति के दोनों पैर कट गए हैं, मगर ये व्यक्ति जिंदा है। बताया जा रहा है कि ये व्यक्ति नशे की हालत में था। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर RPF और GRP के जवान पहुंचकर प्लेटफॉर्म से इसे उठाकर स्टेशन के बाहर 1 रुपी क्लिनिक के पास रख दिया और एम्बुलेंस की तलाश करने लगे। काफी देर तक ये व्यक्ति दर्द से तड़पता रहा। GRP और RPF के जवान एम्बुलेंस के लिए इधर उधर कॉल करते रहे, मगर कहीं से भी इन्हें एम्बुलेंस नहीं मिली। काफी देर हो जाने पर लोगों में काफी गुस्सा भी आ रहा था। मुंगा रेलवे स्टेशन पर रेलवे की तरफ से एक भी एम्बुलेंस नहीं है कि वक्त रहते किसी यात्री की जान बचाई जा सके। ये मुंगा रेलवे स्टेशन का दुर्भाग्य ही है कि जो करोड़ों रुपए की कमाई के बाद भी स्टेशन पर एक भी एम्बुलेंस नहीं है। हमारे शहर के नेता मुंबरा रेलवे स्टेशन पर एक्सीलेटर लगाने के लिए भूख हड़ताल करते हैं, पैदल मार्च निकालते हैं। सब ठीक है, अच्छी बात है, करना भी चाहिए, बिल्कुल एक्सीलेटर भी लगना चाहिए, मगर किसी नेता ने कभी मुंबरा रेलवे स्टेशन पर किसी हादसे में किसी यात्री की जान बचाने के लिए कि क्या कभी एम्बुलेंस की मांग की है? अगर एम्बुलेंस की मांग की है तो फिर मुंबरा रेलवे स्टेशन पर एम्बुलेंस क्यों नहीं है? इतना बड़ा खूबसूरत शहर, विकासशील संघाई जैसे शहर मुंबरा के रेलवे स्टेशन पर एम्बुलेंस नहीं है, और एम्बुलेंस ना होने की वजह से आदमी दर्द से स्टेशन के बाहर तड़प रहा है। आखिरकार RPF और GRP के जवानों को एम्बुलेंस नहीं मिली और तड़पते हुए इस व्यक्ति को कल्याण से आने वाले लोकल ट्रेन से इसे थाने लेकर जाया गया। एम्बुलेंस वाले को फोन लगा 108 पे फोन किया, नहीं होनी है, लोकल एम्बुलेंस ने 108 पे फोन किया, उसने कोई रिस्पांस नहीं किया। इस तरह से पेशेंट जो है मर जाएगा, बच के बचने वाला पेशेंट भी मर जाएगा। आप जो है उसको किसी भी हाल में यहाँ पे अभी इसको एजेंडा बना के इसको कम से कम प्रशासन को मालूम इसी तरह मुंबरा बाईपास पर एम्बुलेंस के लिए घंटों एक लाश बीच सड़क पर पड़ी रही और उसे टेम्पो में लेकर जाया गया था। इसी तरह काफी देर तक ये व्यक्ति स्टेशन के बाहर घायल अवस्था में तड़पता रहा और एम्बुलेंस नहीं मिली। आखिरकार मुंबरा रेलवे स्टेशन पर एम्बुलेंस क्यों नहीं है? आखिर शहर के जिम्मेदार जिन्हें जनता चुनकर लाई है, वो लोग अपनी जिम्मेदारी
क्यों नहीं समझते? आखिर कब मुंब्रा रेलवे स्टेशन पर एम्बुलेंस मुहैया कराई जाएगी जिससे यात्रियों की जान बचाई जा सके? जिस व्यक्ति के साथ यह हादसा हुआ है वो नशे में था और अपना नाम पता भी नहीं बता पा रहा था। उसके पॉकेट से कोई भी आईडी प्रूफ नहीं मिली है। आरपीएफ की तरफ से बताया गया है कि उस व्यक्ति के पास एक बैग है, अगर उसमें कुछ प्रूफ मिला तो उसका नाम और एड्रेस पता चल सकता है, क्योंकि घायल अवस्था में ये व्यक्ति कुछ भी बताने में असमर्थ है। फिलहाल इस घायल व्यक्ति का इलाज थाने के सिविल अस्पताल में चल रहा है और पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स। ताजा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।